ठीक। किस दौलत की बात कर रही हो तुम? हाँ, किस दौलत की वजह से तुम्हारा बाप चोपड़ा पायर का बादशाह बना बैठा था? वो मेरे पिता की थी, मेरी ही है। अपनी बेटी की मौत को अपने चेहरे की कालक समझने वाला तुम्हारा इज्जतदार बाप किस जमीन से उठकर आया है मैं जानता। अरे था क्या उसके पास? भिखारी की तरह तो वो आया था हमारे दरवाजे पर और मेरे माँ बाप ने उसे सहारा दिया था, पर उसके बदले उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। अरे सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया हमको। सोचो उस मासूम बच्चे पर क्या गुजरी होगी जब तुम्हारे कमीने बाप ने उसकी मां की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। तुम नहीं जानती प्रिया तुम्हारे बाप ने हम पर कितने जुल्म ढाए हैं। तुमने तो सिर्फ उसके माथे पर अमीरी का ताज देखा है, कभी उसके आस्तीनों को निचोड़ कर देखो, उसमें तुम्हें मेरे बेकसूर बाप और मेरी मासूम बहन का लहू मिलेगा। आज भी मुझे वो रात याद है जब तुम्हारे बाप के कहर की आग बिजली मेरे परिवार पर गिरी थी। माँ मुन्नी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ ठंडा पानी पी। अच्छा नहीं, नहीं। का बुखार कम हुआ? नहीं बढ़ता जा रहा है। ठीक है मैं दवाई लेकर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आपको तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। जिस पर इतनी मुसीबतें आई हैं उसके लिए आराम भी एक मुसीबत है। सुनिए इसे संभाल। ये लीजिए उन्हीं की जगह मैं बीमार होती तो ये मैं गलत से कभी ना होता रहती।
कहते हैं मुर्गी तभी इसकी बेटी को ही मारा। आज भी मेरी आंखों में मेरे बाप की जलती हुई किताब और मेरी बहन की वो कब्र है जिसे मेरे आंसुओं ने अब तक सूखने नहीं दिया। अरे तुम्हें तो सिर्फ एक कांटा चुभा है, मेरे सीने में तो त्रिशूल घोंपा गया था। त्रिशूल तीन तीन जख्म दिए गए थे मुझे, और ऐसे जख्म जिनकी मदद मैं आज तक नहीं कर सका। देखना चाहती हो हाँ, मेरे साथ। पंद्रह साल हो गए, लेकिन इनके आंसुओं के बहने का सिलसिला अभी तक नहीं खत्म हुआ। मेरा सारा बचपन इनके प्यार के बगैर गुजरा है। ये मेरी मां है, मैं नहीं भूला, लेकिन मैं इनका बेटा हूं। इन्हें कभी कभी याद आता कैसे रहेगी, कहां सोएगी, कहां नहाएगी? खत्म कर डालो साले को। मदन चोपड़ा, भारत हरामजादे को, साले को मारो और मारो। चोर ने मेरी बेटी को, चोर, 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 चोर,
करेगी। अभी तो मैंने उसके हाथ पर गोली मारी है, लेकिन अगर इसने मेरे प्रॉपर्टी के कागजात नहीं लौटाए तो मैं इसके जिस्म के इतने टुकड़े कर दूंगा कि तू चुनते चुनते मर जाएगी। माँ, बेटे का भविष्य चुनती है, दुआएं चुनती है, उसके जिस्म के टुकड़े नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तेरे जिस्म का टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ये क्या हो गया पा? नहीं पा, मा, मा, ये, मा, जो खून मेरी मां की आंखों में आंसू बंद कर रिश्ता रहा, आज उसका बांध तूने तोड़ दिया है। अब सैलाब आएगा मदन चोपड़ा, सैलाब आएगा।